चार साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। 12% से महंगाई 27% के ऊपर पहुंच गई है। जिन्होंने आके आटा, चीनी, घी, चावल के 3-3.5 साल हमें ये रेट बताते रहे हैं, अब ये कहाँ छुपे हुए बैठे हैं, इनके वो चेहरे नज़र नहीं आते। वो महंगाई के ऊपर बातें जो करते थे, जो हमने कम करनी थी, वो आज नज़र नहीं आते, क्योंकि उनकी बुनियादी वजह और उनकी तरजीहात ये है कि ये चोरों का टोला सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने आता है, इक्तदार करने आता है, बाकी लूट मार का पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है सारा। इमरान खान से खौफजदा किस बात से हो गए? क्योंकि इमरान खान की आवाम में पजीराई बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। पहले इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, तकरीरें बंद कर दो, इमरान खान के खिलाफ जो है वो केसेस निकालो, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। कातलाना हमला इमरान खान के ऊपर करवा दिया गया, उससे भी अभी इनका जो है वो दिल नहीं बढ़ रहा। तो इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मुल्क के मुफाद के ऊपर ज़ाती मुफाद को तरजीह दो। इंडिया 7 माह से भारत रशिया से सस्ता तेल भी ले रहा है, उनसे एनर्जी भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम उसकी भारी कीमत अदा कर रही है। ये NRO की कीमत है जो पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ रही है। और आज मुल्क में इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जरदारी को पापड़ वाले की, फलूदे वाले की फ़िक्र है। शहबाज शरीफ ने मखसूद चपड़ासियों से बचना था, हमजा ने NRO ले लिया, शहबाज शरीफ ने NRO ले लिया, नवाज शरीफ पहले भगोड़े बन के अदालती सजा याफ्ता बाहर बैठा हुआ है। अब लंदन में बैठ के ये फैसले होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिपा सलार कौन होगा। एक मफरूर के साथ मशवरे होंगे, उसके फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। पूरे मुल्क को इन्होंने एक ऐसे दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पर मुल्क बहुत नाजुक हालत से गुज़र रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मुल्क के मफाद को आगे रखना चाहिए, अपनी ज़ाती अना, ज़ाती ज़िद को पीछे करना चाहिए। इमरान खान को अपनी ज़ात का गम नहीं, इमरान खान तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, इमरान खान तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अवाम इस वजह से इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अब ये फैसला करना है रियासत ने कि आया उन्होंने चोरों और डाकुओं के साथ खड़े होना है, या उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम करना है। और आवाम की राय यही है, 63% सर्वे आ गया, 63% आवाम फौरी इंतखाबात चाहती है, 88% मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि मुल्क सही सिमत के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये इंडिकेटर्स ही होते हैं, ये इशारे ही होते हैं, इससे बड़ी और तो कोई बात नहीं। लिहाजा मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए। कल बड़ा एक इंतहाई अहम दिन होगा, कल हमारा आज़ादी मार्च जो है वो रवात पहुँचेगा। रवात में जब इमरान खान साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस से ख़ताब करेंगे आज़ादी मार्च से, वहाँ रावलपिंडी पहुँचने की वो अपनी तारीख का ऐलान करेंगे। गो के खान साहब का उनको आप केलम में कि ज़ख्मी हुए, उनकी हड्डी में फ्रैक्चर भी है, लेकिन उसके बावजूद उनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, पाकिस्तान की कौम की फ़िक्र है। उसके बावजूद वो पूरे जज्बे के साथ अपनी कौम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनकी तर्जमानी भी कर रहे हैं। और इस सारे माहौल के अंदर इमरान खान ने एक ज़िम्मेदार लीडर का सबूत दिया। मुल्क को खुदा ना खास्ता, इनको तो कोई फिक्र नहीं थी, कातलाना हमला करवा दिया, खाना जंगी की तरफ मुल्क जा सकता था, लेकिन आपने देखा हमारे एहतजाज में ना कोई गाड़ी चली, ना किसी की अमलाक चली, ना किसी को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाया गया। ये इमरान खान ने एक ज़िम्मेदार लीडर होने का सबूत दिया, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। तो कल इमरान खान साहब तारीख का ऐलान करेंगे रावलपिंडी पहुंचने का, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से अवाम का एक समुंदर जो है वो रावलपिंडी की तरफ रुख करेगा। अब ये फैसला साजों ने ये फैसला करना है कि उन्होंने रावलपिंडी में जब अवाम का एक समुंदर होगा वहाँ पहुँच के फैसला करना है, ये उससे कबल फैसला करना है। अवाम की राय जो है वो अब खुल के सामने आ चुकी हुई जी। जैसा कि फरूख भाई ने बहुत अच्छे से अभी की जो करंट सिचुएशन है उसका अहाता कर दिया है, तो मैं दो बातें करूँगी आज।
पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम अपना फैसला दीवार के ऊपर लिख चुकी है। आज गोजर खान में वो फिर बताएंगे कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हकीकी आज़ादी इस मुल्क के लिए नागुज़ीर हो गई है और इस जिद्दोजहद को तेज़ भी आप लोगों ने किया है। पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको मुअत्तल करके लॉलेसनेस हमेशा, आप यकीन कर लें कि हमारे जितनी भी लीडरशिप है वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हमारे मुतालबा 3 हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक की बहाली, आयन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए, जमहूरियत का यहाँ पे जो नाम को रह गई है उसकी एक्सरसाइज होना आवाम होते देखना चाहते हैं। उसके साथ आवाम ये चाहती है कि अब इस मुल्क को अगर हमने इस अनारकी से, इस बहरानी और वेंटिलेटर वाली सिचुएशन से निकालना है तो इलेक्शन। हमारे ये 3 मुतालबे हैं, इनसे हम ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। इसमें एक मुतालबा आप लोगों ने हमें हमारे ऊपर कातलाना हमला करके, हमारे लीडर के ऊपर जानलेवा हमला करके एडिशनल है, जो कि अब नंबर 1 पे आ चुका है, वो है FIR का इंदराज। 3 लोग हमारे नॉमिनेटेड हैं जिसमें मेजर जनरल फैसल नसीर, शहबाज शरीफ क्रिमिनल क्राइम मिनिस्टर और राणा सनाउल्ला मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। अवाम का ये मुतालबा फ्रेश इलेक्शन के साथ साथ ये भी है कि जो जमहूरियत है और जो जमहूरी लीडर हैं अब उनके जो कत्ले आम और जमहूरियत के कत्ले आम की अवाम आपको इजाज़त नहीं दे रही और वो हरगिज़ नहीं देगी। कल का दिन तारीखी इस लिहाज से होगा कि इंशाल्लाह रवात में हम लोग पहुँचेंगे। आज का काफ़िला हमारा आपने देख ही लिया है कि चकवाल में जो हालात है, अभी थोड़ी देर बाद गोजर खान में भी जो आप हालात देखेंगे। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आवाम रोज़ाना सड़कों पर निकलती है, रोज़ाना दुहाइयाँ डालती है, रोज़ाना अपील करती है अपने कोर्ट से और जो इस मुल्क के ऊपर एक काबिज तबका है उनसे, लेकिन बजाय इसके कि ये अपने फैसलों को रिविज़िट करें, यहाँ पे सेंस प्रिवेल करें। होता क्या है कि आज भी कराची के अंदर मैं बताना चाहती हूँ, अभी 3:15 बजे आप लोगों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज डाला है। हलीम आदिल शेख साहब हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके बेटी की शादी है और जुल्म ये है कि उनकी बेटी की शादी वाले दिन उनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उन्होंने झूठी FIR का इंदराज करके वहाँ पर अपने वही गुंडे दहशतगर्द, मैं कहती हूँ ये रियासती दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, उनके घर भेजे हैं और वो यहाँ पे लाहौर में आए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कवर करेंगे। ये बजाय इसकी कि ये अकल से फैसले करें, ये होश के नाखून लें, ये इस मुल्क की आवाम को ये मैसेज जो आप देना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैसेज आवाम आपको देगी वो बड़ा बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ये इमरान खान साहब की क़यादत ही है जो आवाम को और इदारों के तसादुम को आज के दिन तक रोक के बैठी है। और जिस दिन ये जो बॉल है ये आवाम की कोर्ट में चली गई ना, तो फिर फैसला सिर्फ आवाम करेगी। उस सिचुएशन से बचाने के लिए अपने ऊपर 4 गोलियां खा के भी मैं सलूट पेश करती हूँ अपने लीडर को कि वो जिस सब्र, जिस तहम्मुल, जिस बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की आवाम इसी वजह से उनसे वालेहाना प्यार करती है, उनके साथ अकीदत करती है और उनके साथ खड़ी है। और जितने मर्जी ये चोर डाकू लुटेरे ये गैंगस्टर लॉन्च करते हैं जी उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने के लिए, मैं फिर आज आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप एक मिनट में इनके सारे प्रोपेगंडा को गटर की नाली में फेंकते हैं और इन गटर ज़दा जो ये जो माफिया उनको बताते हैं कि हमारा लीडर सादिक और अमीन है, वो रहेगा और आप चोर डाकू क्रिमिनल हो और आपकी ये हकीकत रहेगी, आपके मरने के बाद भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बहुत सवाल कम करने के 20 मिनट हो गए हैं, उसके ऊपर हमारी जो कानूनी टीम है उसकी जिम्मेदारी लगा दी गई है, जैसे ही वो अपना केस तैयार कर लेंगे दायर हो जाएगा, ये फैसला हो गया कि इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। मीटिंग है।